Hello, my dear students. Hope you all are doing very good. So we will continue our last classes, which is upon integers. Let's begin, my dear students. So please, dear students, take out your copy and pen. Exercise 1B. Question number first, multiply. First, 16 by 9 is equal to by place में मल्टीप्लाई साइन का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा मल्टीप्लाई करना है राइट तो इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 9 16 का 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 144 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड 36 बाई माइनस 11 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई माइनस 11 36 के साथ प्लस साइन का यूज किया गया है एंड 11 के साथ माइनस साइन का यूज किया गया है जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो साइन आता है वो क्या होता है माइनस तो साइन माइनस होगा 36 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 396 यानी कि आंसर जो हमारा है वो माइनस 396 ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 0 बाई माइनस 23 आपको पता है जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो जीरो ही होता है इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई माइनस 23 इक्वल टू जीरो और साइन का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है क्वेश्चन को फर्स्ट का 10 माइनस 36 बाई माइनस 50 इक्वल टू माइनस 36 मल्टीप्लाई माइनस 50 आप देख सकते हैं 36 के साथ भी नेगेटिव साइन का यूज हुआ है और 50 के साथ भी नेगेटिव साइन का यूज हुआ है जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो हमारा साइन क्या होगा प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 36 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 1800 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1800 ओके क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई माइनस 5 इक्वल टू 12 का 5 में करेंगे 16 प्लस माइनस 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 16 हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस 6 इक्वल टू 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस साइन का यूज हुआ एक बार और 2 में क्या है पॉजिटिव है तो साइन क्या हो जाएगा माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 10 का 6 में 16 हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 16 क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 पहले तो हम ये काउंट कर लेते कि हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या इवन है या ऑड है आपको इवन और ऑड पता होगा आई नो द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन द प्रोडक्ट इज इवन क्योंकि फोर नंबर है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स वो क्या है इवन है सो द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20 20 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 160 इंटू 10 इज इक्वल टू 160 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 1600 यानी कि 1600 हमारा फाइनल आंसर क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकंड माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 पहले तो हम काउंट कर लेते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या इवन है और ऑड है तो द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन द प्रोडक्ट इज ऑड सो द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव देन माइनस ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 6 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 13 30 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 30 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 इंटू 2 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 210 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 420 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे
1260, यानी कि माइनस 1260 हमारा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 19 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर 19 नेगेटिव इंटीजर्स हो और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो उसमें जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट? सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स विल यील्ड अ पॉजिटिव साइन बिकॉज द नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इवन। 90 नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम लेते हैं तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 90 जो हमारा है वो इवन नंबर है। एंड मल्टीप्लाई एनी टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स 2 हो या उससे ज़्यादा हो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका क्या होता है? हमेशा साइन पॉजिटिव ही होता है, राइट? सो द अबव टू केस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर द फाइनल प्रोडक्ट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। फर्स्ट -8 मल्टीप्लाई 9 प्लस ब्रैकेट में -8 मल्टीप्लाई 7। इसके लिए हम आपको एक लॉ बताते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ क्या है? द लॉ रिलेटिंग द ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? मल्टीप्लाई और एडिशन होते हैं, राइट? एग्जांपल, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए का सी में ए सी। दैट इज द मोनोमियल फैक्टर ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड और सेपरेटली। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और उसको सेपरेटली भी ड्राइव कर सकते हैं। अप्लाई टू ईच टर्म ऑफ द बाइनोमियल फैक्टर बी प्लस सी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्ट ए बी प्लस ए सी। एक नंबर जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एंड बी प्लस सी, ऐसे जब दो नंबर्स होते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, राइट? क्वेश्चन है -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव को हमने शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है DIS, ओके? इस वर्ड टू -8 आप देख रहे होंगे, -8 फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी -8 यूज किया गया है। -8 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, राइट? सेपरेटली राइट कर लेते हैं। -8 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट में 9 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 9 एंड 7 को आपस में ऐड करेंगे क्या होगा? 16 इज इक्वल टू -128 हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 20 मल्टीप्लाई -16 प्लस 20 मल्टीप्लाई 14। यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। इज इक्वल टू 20 कॉमन है दोनों में, 20 हम कॉमन ले लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -16 प्लस 14 इज इक्वल टू 20 इंटू -2। ये 16 में से 14 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा और साइन हमेशा बड़े नंबर का यूज करते हैं इसलिए -2। 20 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -40 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। यानी क्या? क्लास में आपकी क्या कोई टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, अगर आप एक सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसको आपको -2 मार्क्स होंगे, यानी कि 2 नंबर आपके कट जाएंगे। इस अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? रवि ने 4 क्वेश्चंस सही सॉल्व किए हैं और 6 क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व किए हैं तो उसका स्कोर क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन पूछा इन्होंने, रीनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर? रेनू ने 5 क्वेश्चंस जो है राइट सॉल्व किए एंड 5 क्वेश्चंस रॉन्ग सॉल्व किए तो उसका स्कोर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? यानी कि हीना ने 2 क्वेश्चंस सही सॉल्व किए और 5 क्वेश्चंस रॉन्ग, तो उसका स्कोर क्या होता होगा? देखते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एंड इनकरेक्ट आंसर। हमारे पास एक करेक्ट आंसर्स के लिए 5 मार्क्स है और एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 है। फिर
Now we have the following. Question number first. Ravi gets 4 correct and 6 incorrect. So, correct answers के 5 marks थे और incorrect के minus 2. 4 multiply 5 plus 6 multiply minus 2. 4 multiply 5 क्योंकि 4 correct उन्होंने solve किए थे और सही के लिए 5 marks था तो 4 multiply 5 and के place पे positive sign का use किया and 6 incorrect था इसलिए 6 multiply minus 2 is equal to 4 multiply 5 20 plus 6 multiply minus 2 minus 12 हो जाएगा is equal to 20 plus minus minus 12 20 में से 12 subtract किया 8 यानी कि रवि ने 8 marks score किए right. Second question, Renu gets 5 correct and 5 incorrect. 5 correct किया तो 5 multiply 5 plus 5 incorrect किया तो 5 multiply minus 2 is equal to 5 multiply 5 25 plus 5 into minus 2 minus 10 clear is equal to 25 plus minus minus 10 25 में से 10 separate किया 15 यानि Renu ने 15 marks score किए. Hina gets 2 correct and 5 incorrect. Hina ने 2 सही किया और 5 wrong solve किया. So 2 into 5 plus 5 into minus 2 is equal to 5 into 2 10 plus 5 into minus 2 bracket में minus 10 is equal to 10 plus minus minus 10 10 minus 10 is equal to 0 यानि कि Hina ने 0 marks score किए. Right? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस विथ मी एंड संदीप पब्लिक स्कूल ऑलवेज विथ यू टू गाइड यू एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट. ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.